बड़े मशहूर ब्लॉगर हैं, अगर आप मेरी तरह किसी पत्थर के नीचे रह रहे थे और अगर आपने इनका ब्लॉग अभी तक नहीं देखा तो सब्सक्राइब करें, नीचे मैं लिंक लगा दूंगा। सो रिव्यू स्टार्ट करते हैं। माज, ये आपकी गाड़ी का मेक मॉडल वेरियंट जो है वो हमारे यूजर्स के लिए आप बताएंगे? वो जो है एक्टिव, ठीक है, और 2008, ठीक है, पूजो 2008 इसका मॉडल है। अक्सर लोग जो पूछते हैं कि 2008 ईयर है, वो ईयर नहीं है, गाड़ी का मॉडल नंबर है पूजो 2008। आप चलाइए, ये मेरे पास जो थी, मैंने इसका बिल्कुल एक्सपर्ट रिव्यू भी किया है। तो ये है एक्टिव और एलोर, दो आते हैं, जो बेस वेरिएंट है एक्टिव है ये वाली, और एलोर जो है जिसका हमने रिव्यू किया था, अगर आप वो देखना चाहते हो तो लगे हुए लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो माज, आपने ये गाड़ी है कब ली थी? हाँ, ये मैंने गाड़ी ली है आज से 3 वीक हुए होंगे। 3 वीक में? अच्छा, और किस प्राइस ब्रैकेट में थी? 54। अच्छा, हम हमेशा अपने यूजर्स के लिए समझने की कोशिश करते हैं कि आप जब गाड़ी लेने के लिए थे मार्केट में गए एज ए कंज्यूमर, सो आपके पास एक बजट था जेन में, या आपने कहा मैंने क्रॉसओवर की, जो मार्केट पाकिस्तान में बारिश हो रही थी, मुझे क्रॉसओवर का शौक है, उनमें से कोई लेनी है, या कोई सेडान भी थी, क्या प्रोसीजर था आपका? पहले तो बजट यही था, असल में हम इतने बड़े भी नहीं है, ठीक है, तो अब्बा जो एडवाइस देते हैं, अब्बा जो बताते हैं, वही करना पड़ता, ठीक है, तो क्या अभी तक उनके आगे हमेशा बच्चा बच्चा ही रहता है। तो अब्बा ने मुझे बोला था कि तुम थोड़ी छोटी गाड़ी लो, सही है, बड़ी गाड़ी नहीं लेना। तो अब्बा ने मुझे बजट दिया था 40 के करीब, सही है, उस टाइम में 40 बहुत होता था। मैंने बोला अब्बा अब तो वो 40 की कुछ गाड़ी आई नहीं थी, छोटी छोटी गाड़ी आ रही है, तो फिर बजट बढ़ाना पड़ा, ठीक है, वरना उससे पहले इसका कोई इरादा नहीं था लेने का। क्रॉस लग गया था, मैंने व्लॉग में खुद क्रॉस लगा दिया था, ठीक है। देन उसके बाद एक दो हफ्ते रिसर्च करने के बाद फिर वापसी इस पे आई गाड़ी पे, ठीक है, तो मैंने बोला बजट बढ़ाना पड़ेगा और लेनी भी यही पड़ेगी, क्योंकि इस टाइप की गाड़ी, इसके जैसे कर्ट्स है और ये बिल्कुल न्यू फ्रेश फ्रांस की है, सही है, तो मैंने बोला भाई ये न्यू है बिल्कुल, ये ले लेते हैं। बहुत टाइम बाद इसको हमने लॉक कर दिया और फाइनली ले लिया। सो क्रॉसओवर की मार्केट में स्पोर्टेज, टूसों, बाकी सबको छोड़ के इसको लेने का मकसद ये था कि यूरोपियन कार है और इसका जो स्टाइलिंग है वो आपकी एज के साथ रेजोनेट करती है, बिल्कुल, वो अंकलों वाली गाड़ी है बेसिकली, मेरे जैसे लोगों की, बिल्कुल ऐसी, ठीक है। अच्छा, जब आपने गाड़ी ली थी तो आपने इसको बुक कराया था, ऑन पे ली थी, कैसे ली थी? डायरेक्ट ली है, डायरेक्ट अवेलेबल थी, हाँ अवेलेबल थी। अगर आप अपनी गाड़ी बेचना चाहते हैं तो पार्क व्हील्स पर अभी एड लगाएं और एक्टिव फोन नंबर देकर एड पोस्ट कर दें। क्विक ऑफर के लिए अपना एड फीचर करवाएं और 40 लाख जेन्युइन खरीदारों तक रसाई हासिल करें। मैंने बोला कि आप इसको वो कर ले, मतलब रोक ले इसको, मैं कर लूंगा आपसे, ठीक है। अच्छा, मैं हमेशा ये बात करता था कि खास तौर पे जो नई जनरेशन है, यूट्यूबर्स और व्लॉगर्स जितने भी हैं, उनकी जो चॉइस होती है वो आम लोगों से थोड़ी डिफरेंट होती है, और ये आप ही गाड़ी की चॉइस में भी नजर आ रही है, बिकॉज हमारे यहाँ पे जो है ना, लोग बड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच से चलते हैं कि यार स्पोर्टेज ले लो, टूसों ले लो, ये जब गाड़ी है इसको नहीं लेते लोग। लोग इसलिए लेते ना कि यार उनकी रीसेल हो सके दोबारा, क्योंकि जो जितनी गाड़ियाँ चल रही होती है लोग सोचते हैं कि यार इसका रिव्यू अच्छा है तो यही ले, वो दूसरी लेते ही नहीं है, यार इसका तो रिव्यू नहीं आया, इसको तो लोगों ने चलाई नहीं, तो मैं क्यों लूं। सही है, मतलब जो लोगों ने नहीं चलाई मैं वो चलाऊंगा, ठीक है। आपका रिव्यू उस टाइम में नहीं आया था, मेरा तो अभी रमजान में, मैंने इसकी ड्राइव भी नहीं ली थी, पापा ने ड्राइव ली और मैंने बोला यस, ठीक है, मतलब बाहर से देख ली, जैसे हम लोग अभी तो बकरे जा रही है माशाल्लाह, हम जानवर लेने जाते हैं, ये थोड़ी कि इसको पूरे दिन घुमाते रहते हैं, चलाते रहते हैं, भाई पसंद आया, अच्छा खूबसूरत लगा, ले लिया, ठीक है, लाइक उस तरह। तो आपने आम लोगों की तरह गाड़ी को प्राइस बॉन्ड समझ के नहीं लिया, आपने कह रही मेरी कंज्यूमेबल आइटम है, मुझे अच्छी लग रही है, बस मुझे अच्छी लग रही है बस, ठीक है। अच्छा, इसकी जो अगर अच्छी लगने की बात है, अगर मैं आपको, मैं आज आपको कहूंगा आप इसके मार्केटिंग सेल्स मैनेजर बन जाए, तो इसके 5 या 3 पॉइंट ऐसे जो आप कह रहे कमाल पॉइंट है इसकी, वैसे ये भी अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, एक तो लुक्स आपने बता दिया एक्सटीरियर की, आपको थोड़ा सा मजा आता है ड्राइव करने में, थोड़ा सा भगाने में मजा आता है, वैसे तो भगाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन अगर आपको मजा आता है तो ये मिनट में पकड़ लीजिए दूसरी गाड़ी को। हाँ, इसका एक्सेलरेशन बहुत अच्छी है, 1.2 टर्बो है और अच्छी गाड़ी है, बहुत कमाल की है, तो मुझे सब नहीं पता था पहले भी, सही है, मैंने तो वैसे ही ली। नहीं, मैं कह रहा हूँ जब आप पहली दफा वॉक इन किए, एक तो एक्सटीरियर की लुक थी, और क्या उनकी चीज ने आपको इंप्रेस किया गाड़ी की? मुझे गाड़ी की ये हैंडल ने इंप्रेस किया, ब्रेक पे आप इसके बिल्कुल लाइट हो जाता है, सही है, कि मतलब बस ऐसे आराम आराम से, और जैसे इसको हाई स्पीड दो तो हार्ड हो जाता है, वेरिएबल फंक्शन स्टीयरिंग है, ठीक है।
और कुछ ज्यादा ही, और साइज देखिए कितना छोटा सा इसका, सही बहुत मजे का इसका सब कुछ। और ये जो इसका इंटीरियर लुक था शायद ये लैम्बोर्गिनी, ये लैम्बोर्गिनी से इंस्पायर्ड है, इसकी हर चीज। मैंने बोला वायर इंस्पायर्ड है तो ले ही लो, खैर पाकिस्तान में आ रहा है ले लो, लैम्बोर्गिनी तो ले नहीं सकते यही ले लो। हाँ ये भी है। अच्छा अब इसी के अंदर आ जाते हैं कि जब आपने डिसाइड कर लिया कि यार यही गाड़ी है मैंने ये लेनी है, तो इसके दो वेरियंट थे, एक एक्टिव एक अलग, तकरीबन 6 लाख रुपए का प्राइस डिफरेंस है दोनों में। उनमें से डिफरेंस कैसे फैसला किया, या ये वजह थी कि 40 से ऊपर ला रहे थे उसके बाद आपने कहा बने कहने ये बढ़ता जा रहा है? हाँ यही तो, ये भी वजह थी एक, और दूसरी वजह ये थी कि उसमें जो जो फंक्शन है ना वो यहाँ पर बहुत मुश्किल से काम करते, लाइक अभी लेन असिस्ट में कोई नहीं चला रहा होता गाड़ी, ठीक है लेन असिस्ट तो चलेगी नहीं बिकॉज यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। और हम, मैं कहाँ रह रहा हूँ, मैं कराची में रह रहा हूँ, सही है। इस टाइम पे मेन मेन सड़कों की ना, बड़ी बड़ी सड़कों की खड्डे पड़े में टूटे हुए, वो बीच से आप डीएच चले जाए, आप शारा वैसल चले जाए, जरूर खड्डा आएगा। ये बिल्कुल मेन रोड है हमारे कराची की, मेन रोड। तो अब बंदा कहाँ, तो लेन असिस्ट आपके काम का नहीं था, एक और डिफरेंस जो है ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर था, ब्लाइंड स्पॉट था वो आपने कहा था मैं खुद ही देख लूंगा, वो मैंने बोला कि यार आज तक किसी पाकिस्तानी ने देखा भी, यूं ही देखा ही, मतलब पता ही नहीं हुआ यूं बैठे बैठे कैसे देखा होगा, सब यूं ही देखते हैं भाई, गाड़ी तो नहीं मेरे बराबर, ठीक है। तो मैंने बोला मेरे अब्बा ने देखा तो मैं क्यों देखूं, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर आ गया, बाकी एंबिएंट लाइटिंग का डिफरेंस है, यहाँ पे एंबिएंट लाइट होती है, उसका मीटर जो है 3D है, पैनोरामिक रूफ है, मीटर उसका बड़ा मजे का है और रूफ भी बड़ा मजे का है। बस ये दो चीजें मुझे चाहिए थी, लेकिन अब बट रूफ का आप कह रहे थे कि आपके अब्बा ने कहा कि ऊपर से कोई चीज गिर गई, रूट बिल्डिंग में रहते हैं, मतलब बहुत सारी हमने ना पैसे कम करने के लिए ना वो झूलनी थी वजूहत होती है कि यार इसमें ये मसला आ जाएगा अगर गाड़ी लोगे। और अब्बा ने मुझे बताया कि यार So finally आपने decide किया कि मैंने ये लेनी है। अच्छा ये आपने तकरीबन अब 1000 किलोमीटर करीब होने वाली है, तो इसको नॉर्मल फ्यूल पे चलाते हैं, हाई ऑक्टेन पे? हाँ हाई ऑक्टेन है, इसका उन्होंने बोला कि इसको नॉर्मल में ही हाई ऑक्टेन ही डलवाना, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है यार, शुरू में हाई ऑक्टेन चला लेते हैं, बाद में देखेंगे। टर्बो इंजन में वैसे भी जो है ना फ्यूल क्वालिटी बड़ा जो है ना रोल प्ले करती है, तो आई वुड रिकमेंड कि हाई ऑक्टेन ही डलवाएं। और इसकी फ्यूल एवरेज का तो आइडिया कोई नहीं होगा? फ्यूल एवरेज का मेरे ख्याल से मुझे जहाँ तक लगता है जिस एक्सीलेटर में चला रहा होता हूँ 10-11-12 गई होगी, ठीक है। इससे पहले कौन सी गाड़ी चलाते? इससे पहले मैं गाड़ी नहीं चलाता था, सीखी मैंने किसी और, मतलब मैंने सीखी, आप यकीन करें मैं सिविक डायरेक्ट चलाई है, डायरेक्ट रोड पे। अच्छा, मतलब ये मेन रोड पे डायरेक्ट मैंने सिविक चलाई, क्योंकि मैं अपने भाइयों के साथ, अब्बा के साथ और दोस्तों के साथ सिर्फ इधर बैठ के घूमता था, ठीक है। और मेरे ब्लॉग में तकरीबन मैं इधर ही बैठा हूँ, मैंने कभी भी खुद से ब्लॉग गाड़ी चला के नहीं बना रहा, अब बना रहा हूँ, ठीक है। मतलब इधर बैठे तो मैं सीख गया कि भाई कहाँ से कितना कट है, कितना गैप रखना है, सही सही सही। इस तरह से मुझे आइडिया हो गया था, तो मैंने डायरेक्ट सिविक चलाई, इसके बाद फिर रिवो चलाई डायरेक्ट, फिर उसके बाद मैंने ऑल्टो चलाई, फिर विजल चलाई, फिर ये चलाई। अच्छा, सुना है मैंने कि आपके कहीं विश लिस्ट में रेवो भी शामिल है, खरीदने का था, लेकिन अब वो जगह ही नहीं आ रही गली के अंदर ना बिल्डिंग के अंदर, और बिल्डिंग से जो अपार्टमेंट में रहते हैं उनके लिए तो बहुत इशू होता है ये रेवो शेवो बड़ी गाड़ियों का। क्योंकि अपार्टमेंट में एंट्री एग्जिट का इशू चलता है। अच्छा, तो ये गाड़ी आपने अभी चला ली है तकरीबन, तो इसमें आगे पीछे की जो सीटिंग कैपेसिटी, अक्सर लोगों का ये सवाल होता है कि ये छोटी लगती है देखने में, तो कैसी है कैपेसिटी? कैपेसिटी पीछे की आगे की? आगे पीछे दोनों ही, आगे की तो बहुत कमाल की है, ठीक है। आपको मजा ही आ जाएगा चलाकर, आप बोलो तो मैं यहाँ भी चले जाऊँ वहाँ भी चले जाऊँ, चला कर सुकून से अगर थोड़ा सा नीचे कर ले सीट तो और मजा आ जाएगा, ठीक है। पीछे मैं नहीं बैठा अभी तक ना, ठीक है। फैमिली के लोग बैठे, फैमिली बैठी, हाँ उनको तो कम्फर्टेबल है, कम्फर्टेबल है, लेकिन उतना कम्फर्टेबल नहीं है जितना दूसरी गाड़ियों का है, सही है। अच्छा, इसका एसी से खुश है? मेरे मेरी एसी से बहुत खुश हूँ, ठीक है। 3 पे चल रहा है अभी फिलहाल, ठीक है। बहुत गर्मी है बाहर, 40 के करीब है, ये ज्यादा फील नहीं हो रहा, लेकिन 40 के करीब है तो चल जाता है बहुत। अच्छा, इसकी जो इंफोटेनमेंट स्क्रीन है और इसकी जो कनेक्टिविटी है ब्लूटूथ की है, वो कैसी लगी? ब्लूटूथ वगैरह सब मजे का, सब डायरेक्ट कनेक्ट होता है, ये नहीं कि जरूर गाड़ी रोक के पी पे लगाओ उसके बाद कनेक्ट होगा, चलते भी गाड़ी कनेक्ट हो जाएगा। अक्सर रेवो का यही है कि पी पे लगाओ पहले, दोस्त को 12-20 में गाड़ी रुकनी पड़ती है, ब्लूटूथ कनेक्ट करो। और साउंड क्वालिटी भी ठीक है, क्योंकि पाकिस्तानी लोकल गाड़ियों में अक्सर होता है हेलो आवाज नहीं आ रही, उस तरह की चीज। ब्लूटूथ के अंदर कॉल पे, हाँ कि मैंने कॉलिंग चेक नहीं की, क्योंकि मैं यही प्रेफर करता हूँ कि भाई गाड़ी चलाते हो किसी कॉल में बात नहीं करो, फर्स्ट ऑफ ऑल। बड़ी अच्छी बात है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नहीं बात, मैं किसी कॉल नहीं उठा, मेरे वाले पड़ा रहेगा ना, इसमें कॉल आएगी कोई भी, क्योंकि मुझे पता है भाई मेरी एक गलती की वजह से एक्सीडेंट, हमारी व्हाट्सएप पे लगी होती गाड़ी, वो पता है क्या होता है उनका, ये होता है कि वो बोलते हैं यार हमारा हाथ सेट हो गया गाड़ी पर, हम इधर भी चला सकते हैं। मेरे दोस्त भी करते हैं अक्सर, मैं ये नहीं बोला, मेरे दोस्त भी करते हैं, लेकिन वो गलत है ना? हाँ गलत है, बिल्कुल ठीक है। मतलब ये मेरे अपने अब्बा से, मतलब इंस्पायर उस चीज में कि अब्बा मेरी गाड़ी चलाते हुए कुछ भी नहीं बोलते। अच्छा, आपने ये गाड़ी ले ली महीने के करीब हो गया, अगर आपको दोबारा चॉइस दी जाए तो आप क्या यही गाड़ी लेंगे? आप कहेंगे नहीं यार मैं और चीज लूंगा? मैंने यार यू हैप्पी कस्टमर, कब चॉइस दी जाए? अभी आज अगर आपको कहेंगे नहीं मैं कुछ भी नहीं लूंगा, यही लेंगे अभी तो, मैं यही लूंगा। अच्छा, और कोई चीज जो इंसान को ना इंसान की ख्वाहिश होती है, ये भी हो ये भी, कोई चीज मिस करते हैं उस गाड़ी में, ये चीज इसमें हो जाती तो कमाल हो जाता?
ये चीज है उसमें कमाल हो जाता बस की सीसी जो है ना 1.5 टर्बो हो जाती अच्छा। कमाल गाड़ी हो जाती है अच्छा। इस गाड़ी का जवाब नहीं था और एक्सेसरी में कोई चीज ऐसी नहीं है कुछ भी चीज नहीं नहीं बस 1.5 टर्बो हो जाती है कमाल गाड़ी जी सबसे ब्लास्ट गाड़ी थी 1.2 में भी टर्बो के लिहाज से इसकी पिक बड़ी अच्छी है अच्छी है लेकिन अगर 5 हो जाती ना तो ये ब्लास्ट गाड़ी थी ब्लास्ट ड्राइविंग मोड चेक किए कभी इसके ड्राइविंग मोड मैं तो करता ही हूँ जब मुझे बहाना होता तो मैं स्पोर्ट्स ले लेता हूं अच्छा वैसे मैंने इस गाड़ी को चला के देखा था मुझे तो बगैर स्पोर्ट्स के भी बड़ी अच्छी रिस्पांस लगा था मैंने कह सेम रिस्पांस है बस थोड़ी सी लैगिंग जो होती है ना हाँ। वो रहती है बिल्कुल वो स्पोर्ट्स में ये छोड़ देते लैगिंग की स्पोर्ट्स में लैगिंग कोई भी नहीं होती अच्छा सिर्फ स्पोर्ट्स में छोड़ देते मैंने चेक किए जब भी मैं स्पोर्ट्स में चलाता हूं बिल्कुल पानी चलती है जैसे मैं इको पे करूंगा ब्रेक हल्का सा आएगा झटका आएगा पता लगेगा कि आप इको पे आ गए आप नॉर्मल पे आ गए सही अच्छा अभी तो इसकी सर्विस वगैरह तो बारी नहीं आई होगी ना 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 कुछ भी नहीं आया और पार्ट्स के बारे में कोई रिसर्च की थी जब गाड़ी ले रहे थे कि किसके पार्ट्स बारे मैंने हाँ मैंने हेडलाइट तो पूछा था ना इसकी हाँ। लाइट्स चेंज करवानी है वो लगानी है वो एलईडी लगानी है दूसरे वाले बैरियर पे मुझे क्लॉ वाली आई हाँ बिल्कुल तो मैंने बोला कितने की है 2.5 लाख रुपए की दोनों मैं बोला अभी तो गाड़ी आई है लगा दो 2.5 लाख रुपए की मतलब एक्सचेंज हो रही थी लाइट उससे बेहतर तो ये था कि 6 दे के सारा कुछ ही ले लेते 2.5 लाख कोई नहीं ये था ये था ये था तो बस फिर मैंने बोला चलो लाइटें भी रोड तो फिर लाइटें भी बड़ी कमाल की हैं रात में बहुत अच्छी लगती हैं ये भी रजिस्टर करा ली है सब करवाई इंश्योर अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ क्योंकि कराची में गाड़ी चलाने से पहले इंश्योरेंस हमारा लाजमी है पता है गाड़ी अपनी गाड़ी हमें जब इंश्योर हो गई रजिस्टर्ड हो गई उसके बाद ही गाड़ी निकाली नंबर प्लेट के साथ ही निकाली डायरेक्ट तो इंश्योरेंस का डिसाइड कैसे किया था कि कौन सी लेनी चाहिए इंश्योरेंस देखिए अभी भी मैं आपको यही बोलूँगा कि माशाल्लाह अल्लाह सबके अब्बा को सलामत रखे अब्बा ने मुझे अपने घर बिठाया हुआ था सब कुछ खुद करवाया इस गाड़ी का नंबर प्लेट से लेकर इंश्योरेंस से लेकर पैसे से लेकर खुद देना खुद लेना खुद बात करना ये चीज बहुत अच्छी लगती है देखे ना हाँ नहीं हमारे जो हमारा सोशल सिस्टम है उसमें सबसे बड़ी एक शील्ड होती है कि वाले साहब आपके हैं वो आपके साथ डिसाइड करेंगे और मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा डिसीजन है उनका बिकॉज हमारे यहाँ पे जो सूरत हाल है लॉ एंड ऑर्डर की तो मैं बल्कि तमाम यूजर्स को भी कहूंगा जो भी लोग गाड़ी ले रहे हैं वो गाड़ी को इंश्योर जरूर कराएं हम लोगों ने आप लोगों की सहूलत के लिए पार्क व्हील्स पे एक इंश्योरेंस पेज बना दी है जिसमें कन्वेंशनल और आपके इस्लामिक इंश्योरेंस तकाफुल जितनी जो पॉसिबल ऑप्शन अवेलेबल है मार्केट में वो सब एक जगह लिस्ट करती हैं आप अपनी मर्जी की जो है ना कंपनी उससे गाड़ी का तकाफुल करा सकते हैं इस्लामिक और इंश्योरेंस भी करा सकते हैं तमाम रेट्स को कंपेयर कर सकते हैं एक एडवाइस ये है कि सिर्फ रेट को ना देखा करें जब आप कंपनी चूज करें तो उसकी सर्विस को भी देखें कि कौन सी कंपनी आपको एक अच्छा सर्विस देगी एज अगर आपको क्लेम की जरूरत पड़ जाए तो उसके बारे में भी जरूर रिसर्च किया करें सो ये था आज के भी उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हाँ रिव्यू इतनी जल्दी करते हैं आपके पास कोई बात है तो आप बताएं गाड़ी के बारे में आप बहुत सारी बातें करते हैं लोगों से आधे आधे घंटे की अभी तो 5-10 मिनट में खत्म यार जनरेशन गैप बहुत बड़ा है आप मेरे बच्चों के उनके साथ में उम्र में रिलेट कर सकता हूँ आपका और मेरा जनरेशन गैप इतना है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं और क्या सवाल पूछूं बिल्कुल ऐसी लेकिन मैं आपको ये एडवाइस करूंगा ठीक है गाड़ी चलती तो बहुत तेज है लेकिन उसकी सेफ्टी जिसने आपने बोला और आई एम रियली प्लेजेंटली सरप्राइज के आपकी उम्र के लिहाज से जो आपने फोन ना यूज करने वाली बात की गाड़ी ध्यान से चलाने वाली बात की बड़ी अच्छी चीज है और जितने भी यंगस्टर जो है आपको भी फॉलो करते हैं आप भी उनको जरूर ये मैसेज जरूर दिया करें कि गाड़ी चलाते हुए सेफ्टी सबसे इंपॉर्टेंट है दूसरा गाड़ी के अंदर पावर होना एक अलग बात है उसको एक्सपीरियंस करना है और चलाना अलग बात है आपको पता होना चाहिए यार अभी गाड़ी में पावर है पावर है भी तो आप स्लो चला मैं देखा स्लो चला रहा हूं बिल्कुल आपके साथ थोड़ा सा मजाक करता हूं लेकिन मैं स्लो चला रही है कितनी नॉर्मल है खड्डों में भी फील नहीं करवा रहा मैं बिल्कुल ठीक है सो ये था आज का रिव्यू उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी कमेंट सेक्शन में अपने राह से आगाह करते रहा करें अगेन रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी तब तक अपना और अपने गिरद वाकलों का ख्याल रखिएगा शुक्रिया लाइक लाजमी करिएगा कमेंट भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा थैंक यू थैंक यू